नैना अभिषेक है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन पर रेल पुलिस के द्वारा आप देख सकते हैं महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। महिलाओं की समस्याओं को लेकर ये हेल्प डेस्क 24 घंटे काम करेगा और अभी रात का वक्त है, रात के वक्त में भी महिला हेल्प डेस्क काम कर रहा है। महिलाओं की शिकायतों को सुना जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है, रेल एसपी के निर्देश पर इसकी शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए ये हेल्प डेस्क है और महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं या उनको कोई शिकायत दर्ज करानी है तो इस हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शुरुआत कर दी गई है इसकी? हाँ कर दी गई है। शिकायत महिला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो हम लोग सुनेंगे, उनकी समाधान करेंगे, लिखित हो या मौखित हो। सब घंटे की ये 24 घंटे के लिए है। हाँ, दिन रात हमेशा महिलाओं की समस्या के लिए। हाँ टोटल आती है, बहुत आती है, लेकिन उनके समस्या को हम लोग सुनते हैं। तुरंत एक्शन लेते हैं हम लोग। तुरंत एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं की समस्या के लिए ये हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है और इसमें महिलाओं की आज ही इसकी शुरुआत हुई है। हाँ। तो आप देख सकते हैं महिला हेल्प डेस्क है रेल थाना मुजफ्फरपुर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर ये रेलवे स्टेशन है और उत्तर बिहार के बड़े स्टेशनों में से ये जाना जाता है और यहाँ से दूर दूर के लिए ट्रेनें हैं। ऐसे में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है ताकि महिलाओं की समस्याओं को सुना जा सके, महिलाओं की समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, इसी को लेकर महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस हेल्प डेस्क से कितना फ़ायदा मिलता है, महिलाओं को कितना फ़ायदा मिलता है, क्योंकि दिन या हो या रात हो 24 घंटे ये हेल्प डेस्क काम करेगा और निसंकोच यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर इसकी शुरुआत आज से की गई है। बगल में साइबर थाना की भी शुरुआत की गई है और कई सारी चीज़ें हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, रेल एसपी ने भी बताया है, जानकारी दी है। साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।